नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ में फैले सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है, बावजूद इसके पूरे शहर में अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब ने साफ निर्देश जारी किए थे कि शहर में जहां भी नाले नालियों पर अतिक्रमण है या ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण किया गया है उनको तत्काल हटाया जाए। ऐसे में अभियान के तहत नगर आयुक्त के निर्देशन में जोन 3 के जानकीपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में जोन 3 के कर अधीक्षक बनारसी दास ने रिंग रोड से सहारा स्टेट के ग्रीन बेल्ट पर रसूखदारों द्वारा किए गए कब्जे को खाली करवाया। कर अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि इलाके के ग्रीन बेल्ट एरिया में अनाधिकृत रूप से दर्जनों दुकानें संचालित हो रही थी, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। इलाके में तकरीबन 100 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए हैं। सर, किस जगह पे ये अतिक्रमण जो अभियान चला जा रहा है, कौन सी जगह है और क्या कितनी? साहब, मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं नगर निगम लखनऊ से सुप्रिंटेंडेंट बनारसी दास का नाम है। आप जानकीपुरम देख रहे हैं, छुईयापुर ये जो चौकी है इसके आसपास ग्रीन बेल्ट पर बहुत सारे कब्जे थे। कई बार हमारे द्वारा प्रयास भी किया गया और माननीय जो जनप्रतिनिधिगण भी है उनके द्वारा भी शिकायत की जाती रही है। चूँकि ग्रीन बेल्ट पे कब्जा बना हुआ है और कई बार अवेयरनेस मैंने किया है लोगों को कि छो ग्रीन बेल्ट खाली कर दें। इनके द्वारा कुछ खाली किया था, कुछ नहीं खाली किया था, तो बाकायदा आज एसओ साहब से कोऑर्डिनेट करके जानकीपुरम एसओ साहब से बात करके ये इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया गया आपके सामने है। आगे से ग्रीन बेल्ट खाली कराते हुए हम लोग सहारा स्टेट रोड पे आ गए हैं और इसका पूरा ग्रीन बेल्ट खाली करा लिया गया है। तो लगभग जितनी दुकानें, क्या यहाँ पे कोई जुर्माना भी इनसे वसूला गया? जुर्माना तो अभी नहीं कर पाए हैं हम, लेकिन फिर भी अगर इनके द्वारा पुनः ग्रीन बेल्ट पे कब्जा खाने का प्रयास किया जाएगा तो इनको हटाएंगे भी और मोटा जुर्माना। तकरीबन कितने दुकानों पर कार्रवाई हुई है? लगभग 150 या 200 के बीच में जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, यानी ग्रीन बेल्ट पर झुग्गियाँ बहुत अधिक संख्या में बनी हुई थी, जो अक्सर लोग वहाँ सामान लेकर रह रहे थे, उनको आज हटा दिया गया। लखनऊ से सीनियर संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।